हाय, गुड मॉर्निंग सॉन्ग। हाँ तो भाई, आज की कहानी है स्कूल की। बोरिंग है ना? नहीं, बोरिंग नहीं है। आज के टाइम में स्कूल की वो बात नहीं हो रही है कि तुम स्कूल में जाओ, घंटी बजे, सब लोग स्टार्ट करो, पीरियड चले 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ऐसे पीरियड चले और मैडम आए जाए, ऐसा नहीं है स्कूल आजकल। ओके, आजकल स्कूल चेंज हो गया है। आज की डेट में स्कूल का मतलब है मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप। अब ऐसा ही एक स्कूल हमारे जंगल में होने वाला था। क्यों, रीज़न क्या है, उसके पीछे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक बार मंकी जो है रात को घूम रहा था शहर में। जब वो रात को शहर में घूम रहा था तो वो देख रहा था कुछ बच्चे जो है ट्री के नीचे लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, अपने लैपटॉप को लेके और उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। उसको पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। तो मंकी ने क्या किया, जैसे वो नीचे उतरा बच्चे वो लैपटॉप छोड़ के भाग गए। ऑफकोर्स डरेंगे, अब मंकी आएगा एकदम से तो सबको डर लगता है, देखो भी डर लगता ही है ना, नानी के घर जाते तो मंकी से डर लगता ही। तो वैसे उनको भी डर लगा और वो वहाँ पे ही लैपटॉप छोड़ के भाग गए। तो मंकी ने क्या किया, वो लैपटॉप वैसे का वैसा उठा लिया। वैसे का वैसा उठा के भाई साहब वो आ गए जंगल में, अपने घर पे रख के भूल गए। अब एक दो दिन बाद उसे ध्यान में आया, मतलब आज की डेट पे जब हम बात कर रहे हैं स्कूल की, ऑनलाइन क्लास की, तो आज की डेट में उसको याद आ गया कि एक लैपटॉप जो है वो पड़ा हुआ है और वो मैं लेके आया था कहाँ से, शहर से, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो किसके पास जाएगा, अपने फ्रेंड के पास गया भाई साहब, अपने एलिफेंट के पास। क्या हमेशा की तरह एलिफेंट सोया हुआ था, चींटी जाग रही थी। अब वो आया, मंकी बोल रहा है हाथी चाचा उठो, हाथी चाचा उठो, हाथी चाचा उठो। एलिफेंट उठ ही नहीं रहा है, एलिफेंट तो उठ ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो उसने आइडिया लगाया, बोला चींटी तो ज़रूर होगी। अरे चींटी देवी, ओ चींटी देवी, उठो उठो और इस हाथी को उठाओ, उठो उठो इस हाथी को उठाओ। चींटी जाग रही थी, उसने हाथी के कान पे पिंच किया और हाथी जाग गया। जब हाथी जाग गया तो दोनों जने बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तब मंकी ने उनको बोला कि देखो भाई, मेरे पास है ना एक लैपटॉप है और उससे मेरे को पढ़ाई करनी है। भाई साहब एलिफेंट की सूंड जो थी ना वो लटक गई पूरी। वो बोला यार, एक तो ये बंदर, दूसरा पढ़ाई का पी भी नहीं मालूम, मतलब स्टडी का एस भी नहीं मालूम। मालूम ही मालूम है, तुम लोग पढ़े हुए हो ठीक है, तो इसको स्टडी का एस भी नहीं मालूम, ऊपर से नाम बंदर, ऊपर से दिमाग इसका काम करता नहीं है, ये करेगा कैसे। बोला देख भाई, पढ़ाई का ना तुझे नॉलेज ना मुझे नॉलेज, एक जानवर है जो जंगल में हमारी मदद कर सकता है, पर उसके पास जाने से पहले मेरे को ये बता, तेरे को पढ़ाई क्यों करनी है। मंकी केला निकाला, इसे धीरे 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 खा के उसको लगा कि कुछ तो सोचूं, कुछ तो सोचूं। और इधर एलिफेंट इंतज़ार कर रहा है कि केला ख़त्म हो भाई, ये भाई साहब का केला ख़त्म हो तब तो वो आंसर देगा हमको। तो वो बोल जाए बोल जाए बोल जाए बोल जाए बोल जाए, और वो आराम से एक 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 बाइट खा के सोच रहा है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, एक्चुअली बंदर है ना, पता ही नहीं है उसको जवाब क्या देना। फिर थक के चींटी ने फिर एलिफेंट को जोर से काटा, बोला पूछ तो सही बंदर से, अब कब तक एक केला खाएगा। एलिफेंट ने उसको सूंड से जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, बोला बे बंदर, तेरे से मैं पूछ रहा हूँ क्यों पढ़ाई करनी है, तो जवाब देना सीधा, यहाँ केला खाने आए क्या। बंदर सूंड लगी तो उसके पूरे दिमाग के तार हिल गए, ऐसे ऐसे हो गया। हाँ, क्या पूछा आपने, क्या पूछा। तब बताया उसने, देख भाई तू पढ़ाई क्यों करना चाहता है। हाथी ने बोला, बंदर ने बोला कि है ना पढ़ाई करने से हम लोग शहर वाले लोगों की तरह हो सकते हैं। वाह, एलिफेंट ने फिर पास में आके उससे पूछा, देख सही सही जवाब दे बेटा, पढ़ाई क्यों करना चाहता है, नहीं तो एक और पढ़ेगी तेरे को सूंड से। बंदर डर गया, अरे यार क्या यार आती यार, तुम मेरे को, मैं इधर तुमसे पूछने आओ, तुम मेरे को मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, नहीं पता मेरे को क्यों पढ़ाई करना, पर मेरे को पढ़ाई करनी है, लैपटॉप चलाना है। हाँ तो ऐसा बोल ना, ऐसा बोल। चींटी जोर जोर से हंसने लगी और स्लाइड करने लगी हाथी के ऊपर, फिर ऊपर चढ़े, फिर स्लाइड करे, फिर ऊपर चढ़े, फिर स्लाइड करे, जोर जोर से जंप मारे। अब हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चींटी इतनी सी होती है, तो वो जंप मारे या पत्थर मारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चींटी खुश हो रही थी, जोर जोर से हंस रही थी कि आज मंकी के मजे आए, सही जगह पर फंसा है।
तो हाथी ने बोला, देख भाई तेरे को लैपटॉप यूज़ करना है, ये बोल पढ़ाई करनी है ये मत बोल, चल अपने दोस्त के पास फॉक्स के पास चलते हैं, उसके पास सारे सॉल्यूशन। गए फॉक्स के पास वो लैपटॉप लेके, हाथी ने सब बताया और चींटी ने भी बता दिया। इस बार चींटी बोली, फाइनली जो है फॉक्स ने बोला, चलो मैं सब समझ गया तुमको लैपटॉप पर, तुमने जो है एक बंदर वाली हरकत की है। अब बंदर बोला, अब क्या किया मैंने फॉक्स अंकल? बोला, बेटा लैपटॉप तू एक बार ऑन तो करके दिखा मेरे को। मंकी चारों दिशाओं में देखने लगा, बोला, यार ये तो मेरे को नहीं आता, ये मेरे को नहीं आता, ये तो आप ही सिखाओगे। फॉक्स बोला, अच्छा ठीक है, ये देख पावर का बटन है ना, इसको प्रेस करते ये ऑन होता है, मैं 3-4 बार प्रेस कर रहा हूँ ऑन नहीं हो रहा है, पूछ क्यों? फिर मंकी यूँ ही खुजाने लगा, बोला, फॉक्स मैं एक केला खा लूँ मेरी अकल चलती है। खा भाई खा, केला ही खा। केला खाया बंदर ने, फिर धीरे धीरे खा के सोच रहा था कि साला आज तो बेइज्जती हो गई अपनी, तो यार अपन को तो कुछ भी नहीं पता है। केला ख़त्म होने तक फॉक्स ने बोला, भाई तू बता रहा है या मैं जाऊँ? मंकी बोला, देखो मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने ये लैपटॉप देखा, बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को इसको यूज़ करना है बस। अरे तो बंदर इसका चार्जर कहाँ है? 2 दिन से तूने बंद करके रखा हुआ है, अब ये चार्ज है नहीं, ऑन कहाँ से होगा बे? एलिफेंट भी जोर जोर से हंसने लगा, और वो चींटी तो भाई साहब कान पकड़ के यूं बैठी रही कि मैं फिसल नहीं जाऊं हंसी के मारे। फाइनली बंदर ने बोला, हाँ चार्जर मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अब भाई साहब गए शहर में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चार्जर, अलग अलग चार्जर उठा के आ रहे, उसमें डाल रहे, चल ही नहीं रहा, डाल रहे, चल ही नहीं रहा। कभी मोबाइल का चार्जर आ रहा है, कभी वो मशीन का चार्जर आ रहा है, कभी मिक्सी का चार्जर आ रहा है, उसको पता ही नहीं लैपटॉप का चार्जर कहाँ है। फाइनली फिर वो थक हार के फॉक्स के पास गया, बोला, मेरे को तो चार्जर नहीं मिल रहा। तो बोला, बेटा देख एक काम कर, ये रहा लैपटॉप, जाके उधर ही रख क्या जहाँ से तू लेके आया, और दोबारा मेरे से बात नहीं करना सीखने। मंकी ने बोला, कोई तो सॉल्यूशन बता दो। फॉक्स ने बोला, देख बेटा लैपटॉप लेके जा, ठीक है लैपटॉप लेके जा, उसी जगह पे लेके जा जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उसी जगह उसको लैपटॉप दे दे, तू किसी बच्चे की पढ़ाई ख़राब कर रहा है। सोच वो बंदा घर पे नहीं पढ़ रहा था, घर के बाहर सड़क पे पढ़ रहा था, मतलब उसके लिए ये कितना ज़रूरी है, ये बात समझ। तू नया लेना, नया ले मतलब पैसा। हाँ क्यों याद आई पैसा, पहले जाके उस बच्चे को ये लैपटॉप दे दे, फिर हम लोग नए लैपटॉप की सोचते हैं। मंकी को समझ में आ गया कि उस बच्चे के लिए लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है मुझ बंदर से, मैं खराबी करूँगा उसके किसी काम आ जाएगा। तो वो गया उसी जगह पर, रात को गया जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उसने देखा बच्चे किताब में से पढ़ाई कर रहे, उसने उनको लैपटॉप रखा। बंदर को देख के बच्चे भागने लगे, पर उन्होंने देखा जब बंदर के हाथ में लैपटॉप है तो वो रुक गए। जैसे ही बंदर ने लैपटॉप रखा, वो लोग अंदर गए, भाग के केले लेके आए और बंदर को दिया और थैंक यू बोला। बंदर ने उनको हग ही किया, वो लोगों का डर भी खत्म हो गया, बंदर को भी बहुत खुशी हुई और वो हैप्पी हैप्पी वापस आ गया।